जैन फ्रेंड्स, आज जो हम बात करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक और नाविक का जो फॉर्म आया है उसके बारे में, तो इसका जो है नोटिफिकेशन 25 अगस्त 2022 को ही दे दिया गया था। इससे रिलेटेड सारा चीज़ जैसे कि एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, ये सब जो है हम इस वीडियो में सारा जानेंगे कि इसका जो है एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, मतलब फॉर्म कब से आप सबमिट कर सकते हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का कब तक होगा। तो जो एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होगा 8 सितंबर से जो है एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं 22 तारीख 9वां महीना 2022, यानी कि 22 सितंबर तक आप 5:30 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं और एडमिट कार्ड जो है इसका जल्दी अवेलेबल हो जाएगा और एग्ज़ाम डेट भी इसका जल्दी आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल OBC EWS का 250 रुपया, बाकी SC ST का जो है 1 भी रुपया नहीं है। अब एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज जो है आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है आपका 22 साल होना चाहिए और इसमें जो है दोनों एज मतलब जो डेट को है इंक्लूड किया गया, मतलब आप 1/5/2001 को भी अगर जन्म लिए हैं या फिर 30/4/2005 को भी जन्म लिए हैं तो आपका जो है वो भी एज माना जाएगा, 18 साल से 22 रहना चाहिए। उसके बाद इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि OBC को जो है 3 साल की छूट दी गई है और SC ST को जो है 5 साल की छूट दी, वो जो है हम लोग आगे देखेंगे नोटिफिकेशन वाला जो पेज है उसमें। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे बात करेंगे तो आपका जो है नाविक जनरल ड्यूटी के लिए जिसमें कि 225 सीट है उसमें जो है आपका 10+2 इंटरमीडिएट रहना चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथ, इसमें परसेंटेज का कोई जिक्र नहीं किया गया। और अब बात करते हैं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच मतलब DV का जिसमें कि 40 सीट है, उसमें जो है आप क्लास 10th पास हैं तो आप क्लास 10th के लेवल पर फॉर्म भर सकते हैं। और बात करते हैं अब यांत्रिक का, तो यांत्रिक का जो है 35 सीट है, इसमें जो आपका क्लास 10th रहना चाहिए विथ इंजीनियरिंग डिप्लोमा वगैरह इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये सब रहेगा तभी आप ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब जो है कास्ट वाइज सीट की बात करें तो नाविक GD के लिए जो है जनरल अनरिजर्व जो है उनका 87 सीट है, EWS का जो है 23 सीट है, OBC का जो है 48 सीट है, ST का जो है 32 सीट है और SC का 5 सीट है, टोटल जो है 225 सीट है। आप नाविक DV की बात करें तो इसमें अनरिजर्व मतलब जो जनरल से आते हैं उनका 16 सीट है, EWS का 5 सीट है, OBC का 10 सीट है और ST का 6 सीट है, SC का 3 सीट है, टोटल 40 सीट है। अब यांत्रिक मैकेनिकल की बात करें तो इसमें 5 सीट जनरल का, 1 सीट EWS का, 7 सीट OBC का और ST को 0 सीट है और SC का 3 सीट है, टोटल जो है इसमें 16 सीट है। अब यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें 3 सीट जो है अनरिजर्व जनरल का है, 0 सीट EWS का है, OBC का 3 सीट है, ST का 1 सीट है और SC का 3 सीट है, टोटल जो है इसमें भी 10 सीट है। अब यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें 4 सीट जनरल का है, 0 सीट EWS का है, 2 सीट OBC का है, ST का 1 सीट है और SC का 2 सीट है, टोटल जो है इसमें 9 सीट है। तो इसमें जो है स्टेज 1 में जो है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जिसमें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है आपका जो है एग्ज़ाम होगा और जो SC ST कैंडिडेट हैं जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड ST ST सर्टिफिकेट वो भी लेके जाना है। ओके, अब जो है हम बात करते हैं कि इसमें जो है एग्ज़ाम जो है रिटर्न फेज वो किस तरीके से होगा। तो रिटर्न एग्जामिनेशन में जो है पहले नाविक DV का जो है उसमें सेक्शन 1 रिटर्न टेस्ट होगा जिसमें कि आपका पासिंग मार्क्स जो है 30 है अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए OBC का और EWS का भी, और 27 जो है पासिंग मार्क्स है SC ST के लिए। उसके बाद नाविक GD का जो है 2 एग्ज़ाम होगा जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं सेक्शन 1 एंड 2। तो सेक्शन 1 तो उस तरीके से होगा ही DV वाला, जैसे कि इसमें मैथ क्वेश्चन 20 रहेगा, साइंस का 10 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश का 15 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन रहेगा और GK का 5 क्वेश्चन रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स जो है ये 60 मार्क्स का रहेगा और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 60 है लेकिन टाइम आपको 45 मिनट दिया जाएगा। और जो नाविक GD का फॉर्म अप्लाई किए उनका जो एग्ज़ाम होगा मैक्सिमम मार्क्स 50 मार्क्स का रहेगा, टाइम जो है 30 मिनट रहेगा और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा, तो उनको सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 दोनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसमें जो है मैथ और फिजिक्स 25-25 नंबर का रहेगा।
तो इसमें जो है क्लास 10th का सिलेबस पहला उनको जो सेक्शन 1 है उसमें वो देंगे, और सेक्शन 2 में जो उनको क्लास 12 का मैथ और फिजिक्स के सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जो है हम बात करते हैं यांत्रिक जो इलेक्ट्रिकल है उनका जो है सेक्शन 1+3, उनको भी सेक्शन 1 एग्जाम देना ही पड़ेगा, साथ में जो है उनको सेक्शन 3 भी देना पड़ेगा। तो सेक्शन 3 में जो है उनसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि उनको 30 मिनट दिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेगा। अब बात करते हैं यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसमें भी उनको सेक्शन 1 एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब कि ये मान लीजिए कि सेक्शन 1 जो है सब में कॉमन है, ओके। और उसके बाद जो है उनको सेक्शन 4 भी देना पड़ेगा, तो उनको सेक्शन 4 जो है उनसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका कि टाइम जो है 30 मिनट रहेगा। अब बात करते हैं यांत्रिक मैकेनिकल का, तो उनको भी जो है सेक्शन 1 तो देना ही पड़ेगा, प्लस सेक्शन 5 देना पड़ेगा, उनसे जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जो पासिंग मार्क्स जो है आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बताऊँगा तो वीडियो की लेंथ जो है बहुत लंबी हो जाएगी, ओके। जब आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा तो स्टेज 2 में जो है आपका फिजिकल फिटनेस का जो है टेस्ट हुआ, जो कि 1.6 किलोमीटर मतलब कि 1600 मीटर जो आपको कंप्लीट करना है 7 मिनट में, और 20 उठक बैठक करना है और 10 पुशअप देना है। उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब जो है 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट। उसके बाद जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद जो है फिर से आपका स्टेज 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि स्टेज 1 और स्टेज 2 जो है आप अच्छे तरीके से पास किए कि नहीं, और इसके बाद जो है आप सारे चीज़ में क्वालिफाई हो जाइएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सबसे पहले जो है कोई भी फॉर्म निकलेगा उसकी जानकारी जो है डिफेंस राय से रिलेटेड सारा जानकारी जो है मैं इस चैनल पे देते रहूँगा, ओके, धन्यवाद।